ऑस्ट्रेलिया में कैसे हम हमारे वास्तु पूजा करते हैं। है हमारे महाराज जी और एडिलेड में सबसे फेमस है, हर जगह आपको यही मिलेंगे। महाविद्याय स्वाहा, ओम जगन्मात्रेय स्वाहा, देवदेवकी ओम उर्वशी गृह प्रवेश पूजनान्ते नमस्कार समर्पयामि ओम भूर्भुवः। राइट साइड थोड़ी सी करे से हाँ करे हाँ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हो आप सब लोग? सो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने घर लिया है और आज उसका हाउस वार्मिंग है, वास्तु पूजा है आज हमने रखा है, आज सैटरडे 1st of July। तो अभी सुबह के 6 बजे है और मैं 6 बजे उठ के नहा धो के रेडी हूँ क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है और काफ़ी सारी तैयारी करनी है तो, और मुझे तैयार भी होना है। तो अभी जल्दी से हम प्रसाद बनाते हैं और मैं मिलती हूँ आपको जल्दी से तैयार होके। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी में। तो गाइस, सो देखिए मैं आ गई हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ हमारे हाउस वार्मिंग पार्टी के लिए और हमने सारी तैयारी भी कर ली है। तो अभी चलते हैं हम हमारे नए घर में और करते हैं पूजा की तैयारी और हमारी हाउस वार्मिंग चालू होती है। हम तैयार हो गए हैं और थोड़ा सा सामान भी है तो अच्छा नहीं दिख रहा है वो, बट ठीक है। एक्चुअली अभी हम हमारे नए घर में जा रहे हैं तैयार होके, तो थोड़ा वो जो भी सामान था वो हम लेके जा रहे हैं जो आज हमको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बस अभी हम निकले हैं हमारे नए घर के लिए और हमने कल ही सारा कुछ तैयारी डेकोरेशन सारा कुछ तैयार करके रखा था कि जैसे ही हम सुबह जाए तो हमें कुछ करना नहीं है। और अभी हम 9:30 बजे है, 10 बजे की पूजा है, हमने यहाँ पे महाराज जी भी बुक किए हैं तो वो आएंगे और हमारी पूजा रहेगी 2 घंटे की और उसके बाद हम फिर खाना रहेगा और बस हाउस वार्मिंग ऐसे इस तरह से करेंगे। तो आप बने रहिए और देखिए हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे हम हमारे वास्तु पूजा करते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम बाहर देश में है तो हम हमारा पूजा वगैरह सब नहीं करते, हम सभी इंडियन तरीके से ही हम हमारी सारी पूजा करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलती हूँ मैं आपको जल्दी ही। सो गाइज देखे हम पहुंच गए हमारे घर पे, नए घर पे, और ये है हमारे महाराज जी और एडिलेड में सबसे फेमस है, हर जगह आपको यही मिलेंगे। तो अभी हम हमारा पूजा का सेटअप लगा रहे हैं और ये देखे हमने डेकोरेशन किया है और ये देखे हमारी रंगोली, ये मैंने नहीं बनाई है, मेरी दोस्त है उसका नाम है नित्या, उसने बनाई है। तो आइए मैं फटाफट थोड़ा क्विकली आपको दिखा देती हूँ, ये दूसरी रंगोली है और ये देखिए थोड़ा बहुत हमने सजाया है। अभी घर पूरा खाली है, हमने शिफ्ट नहीं किया है, हाउस वार्मिंग के बाद हम शिफ्ट करेंगे। देखिए हमने ऐसा सारा कुछ डेकोरेट किया है, ये यहाँ पे हमारी पूजा होगी। तो मिलती हूँ मैं आपको पूजा तैयारी करने के बाद। सॉरी थोड़ा घाय में हूँ, हमको सब कुछ फटाफट करना है। सो गाइस देखिए हमारी पूजा चालू हो गई है, हमने पहले गणेश पूजा की, फिर गृह प्रवेश किया और ये हवन चालू है हमारा। तो काफ़ी अच्छे से पूजा हुई हमारी, ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में ही है, इंडिया जैसी फीलिंग आ रही थी। और
बस बहुत अच्छे से हमने पूजा की। अभी हमारे थोड़े थोड़े क्लोज फ्रेंड्स शुरू हो गए आने। अभी ये पूजा में कोई नहीं था जी, क्योंकि ये जस्ट स्टार्टिंग था। हमारी पूजा 10 बजे का मुहूर्त था, तो बराबर 10 बजे ही चालू हुई। और ये देखिए अभी हम गृह प्रवेश कर रहे हैं। आधा जो है बाहर छोड़ देना है। यहाँ पे लगा के सर्कल बना के उसके अंदर स्वस्ति बना दीजिए। तो गाइज यहाँ पे अभी हमारा कलश पूजा होगी। मीन्स हम जो ग्रह प्रवेश करके आते हैं उसके बाद यहाँ पे कलश रखा जाएगा। की फोटो ले देने दीजिए उनको बनाने के बाद आपके। तो हमने ये देखिए बढ़िया सा यहाँ पे स्वास्तिक बनाया है। और स्वास्तिक को हमने बढ़िया से फूलों से सजाया है। श्री अन्नपूर्णा। मेरा देवताभ्यो नमस्कार समर्पयाम कुमकुमम काम देवताभ्यो काम संभव अक्षदान सुरश्रेष्ठ। अक्षदर्पण कर दीजिए थोड़े। अक्षदान सुरश्रेष्ठ कंकु माता सुशोभिता नया निवेदित। और फिर गैस चालू करिए। सो गाइज अभी हम दूध वाली विधि करने वाले हैं जो कि आप सभी को पता होगी। हाउस वार्मिंग में वास्तु पूजा में हर कोई ये विधि करता है। तो हमने यहाँ पे दूध चढ़ाया है, तो वो उबालने तक हम वेट कर रहे हैं। ये तालियां हो जाए गाइस। आप भी तालियां बजाइए। तो गाइस ये नेक्स्ट विधि है। आप ये भी ऑलमोस्ट सभी को पता होगी कि कुमकुम से हम हाथ पे लगा के हम छाप लगाते हैं। हमारे वॉल एक्चुअली रेड ही है तो उतना दिख नहीं रहा है वहाँ पे, पर तो भी करना तो है ही। वो सूख जाएगा, अपने आप दिखने लगेगा धीरे धीरे। तो ये देखिए इस तरह से हमने हमारे दोनों हाथ एक एक हाथ के छाप लगाए हैं। उसके बाद देखिए मेरे चेहरे पे खुशी गाइस। और ये देखिए अभी हमारी कन्या पूजा हो रही है। छोटी सी कन्या है, ये मेरी फ्रेंड है, उसकी बेटी है। कितनी क्यूट कन्या जिसका मैं पूजन कर रही हूँ। जय माता दी। सो इस तरह से हमने सारी विधि की जो जो वास्तु पूजा में होता है। तो कन्या पूजन के साथ हमारी यहाँ पे पूजा भी खत्म होती है। तो ये देखिए मैं छोटी सी कन्या का आशीर्वाद ले रही हूँ। सो गाइस मेरे जॉब से मेरे कलीग आए हैं यहाँ पे, तो उनको फूड पता नहीं है क्या है, तो मैं उनको बता रही हूँ। He made the food this morning. Yes. Chalo, meet them. And we have this one. I want to see you girls dancing. This is the curry. I want to learn how to dance in. Paneer curry. And this is the vegetarian curry dance. सो गाइज ये मेरे सारे कलीग है, इन्होंने सब मिलके मुझे गिफ्ट दिया है। तो अभी वो चल रहा है हमारा प्रोग्राम। Something like that.
हाँ हाँ तो कैसा लग रहा है फूड, कैसा लग रहा है? वेरी यम्मी, मैंने नहीं बनाया है। हे थैंक यू, थैंक यू। It's nice to try different foods. What do you like the most? I think I like the dessert best. Yeah, because you like the sweet, that's why. I like sweet foods, yeah. So normally guys, इनके लिए ये जो सारी dishes थी हमारे यहाँ पे, जो हमने खाना रखा था, दम आलू था, कढ़ाई पनीर थी और श्रीखंड था, वो उन्होंने पहले कभी नहीं खाया था। नॉर्मली वो लोग इंडियन रेस्टोरेंट जाते तो नॉनवेज खाते हैं, उनको ये वाले सब्जियों के बारे में उन्होंने नहीं खाया था, इसलिए मैं उनको पूछ रही थी और उनसे रिव्यू ले रही थी कि उनको कैसा लगा है खाना। पर खाना सबको बहुत अच्छा लगा। सो गाइज, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहे हैं, ये उन्होंने छाछ पी के दिए हैं, जो अपना बटर मिल्क रहता है। तो मैंने उनको बोला था कि वो बटर मिल्क ट्राई करें, तो इसलिए उनको खट्टा लगा। नहीं नहीं नहीं, खा रहे हैं। तो देखिए गाइज, अभी हमारा यहाँ पे डांस चालू हो गया है। अच्छा अच्छा बढ़िया यम्मी सा खाना खाने के बाद तो थोड़ा डांस तो बनता ही है। तो अभी हमारा बॉलीवुड डांस शुरू हुआ है और थोड़ी देर में आपको गरबा भी देखने को मिलेगा, क्योंकि गुजराती के घर में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पार्टी विदाउट गरबा तो हो ही नहीं सकता। तो आइए तो हम इंजॉय करते हैं हमारा गरबा। सो गाइज, जस्ट हमारा प्रोग्राम फिनिश हुआ अभी हाउस वार्मिंग का। जस्ट अभी हम लास्ट गेस्ट को सी ऑफ करके आए और मैंने सोचा आपको भी बात कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मैं भी बहुत थक गई हूँ सुबह से, पूजा और लोग को आना जाना, खाना सब हुआ और अभी सब सेट हो गया है। मीन्स हमने सारा क्लीन अप कर लिया है, हमारे फ्रेंड्स ने भी बहुत हमारी हेल्प की और आपने तो वीडियो देखा ही होगा कि किस तरह से हमने वास्तु पूजा की, गृह प्रवेश किया, किचन का किया और हवन किया, गणेश जी की पूजा की। बहुत ही अच्छा लगा हमको और हमें ऐसे अदर कंट्री में रह के हमारा इंडियन रिचुअल्स करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, आपने देखा ही होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या।